हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। बिहार बोर्ड ने 16 मार्च को 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बोर्ड के रिजल्ट को जारी कर दिया। अगर आपने भी बोर्ड की परीक्षा दी है तो आप आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों की बात करें तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट 80.15% रहा है। आर्ट्स में 69.53%, कॉमर्स में 90.38% और साइंस में 69.85% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। इसमें 83.39% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं 78.4% लड़के पास हुए हैं। हालांकि टॉप 5 में लड़कों ने बाजी मारी है। तीनों शाखाओं कला, कॉमर्स और विज्ञान में टॉप 5 में कुल 29 विद्यार्थी हैं, जिनमें से सिर्फ 8 लड़कियां हैं। पटना जिले के बने 3 टॉपर अंकित कुमार गुप्ता, जो कि बीडी कॉलेज से हैं और कॉमर्स के छात्र हैं, वहीं पीयूष कुमार कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र हैं और विष्णु कुमार हाई स्कूल मसौदा पालीगंज साइंस के छात्र हैं। आपको बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने लगातार 4वें साल देश भर में सबसे पहले इंटर यानी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इस बार कला शाखा में संगम राज 96.4% अंक हासिल करते हुए ओवरऑल टॉप पर बने हैं। वो VS इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र हैं। वहीं वाणिज्य शाखा में BD कॉलेज पटना के छात्र अंकित कुमार गुप्ता 94.6% अंक लाकर टॉप पर बने हैं। विज्ञान शाखा में KLS कॉलेज नवादा के सौरभ कुमार और +2 अशोक हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद के अर्जुन कुमार 94.4% अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप पर रहे हैं। आपको बता दें, 1 से 14 फरवरी तक आयोजित बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 13.5 लाख छात्र उपस्थित हुए थे, जबकि बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।